हेलो दोस्तों, मैं रंजन और मेरा चैनल रंजन ऑनलाइन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं इस पे जो बहुत काम का है। एक्सेल में हम लोग कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट बनाते हैं, ये एक्सेल में काम करने वाले लोगों के लिए है। और जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत जरूरत का चीज है। देखिए, यहां से मेरा आराम को जब का फाइल है, ठीक है, ये फाइल। अभी देखिए ये फ्रीज पैनल क्या होता है। अब यहां पे ये देख रहे हैं, ये जो है हेडिंग, ये ऊपर का यहां से वहां तक। अभी जो हम नीचे जाते हैं, रोल करते हैं, तो ये हेडिंग मेरा ऊपर चला जाता है। फिर हम जब डाटा फिल करते हैं नीचे, तो हमको पता नहीं चलता कि हम कौन सा इंट्री किस रो में, किस कॉलम में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो ऊपर का हेडिंग है वो दिखना चाहिए हमेशा काम करते वक्त। यदि वो नहीं दिखेगा तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम कोई भी इंट्री कहाँ पे डाल रहे हैं, इससे दिक्कत होगी हमको काम करने में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पैनल को फ्रीज करेंगे जो वो हमेशा डिस्प्ले पे रहे। तो जैसे कि ये है, हमने इसको सेलेक्ट किया, हमको इतना पैनल को फ्रीज करना है। और व्यू में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे फ्रीज पैनल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रीज पैनल कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी जो हम कुछ भी करेंगे तो देखिए ये लास्ट में हम चले गए कि, लेकिन ये जैसे का तैसे है, ये हाइड नहीं हो रहा, ये हेडिंग हाइड नहीं हो रहा। हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है नीचे तक पैनल। अब इसको आप अनफ्रीज कर सकते हैं और अपना हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। मैंने ये उसी में व्यू मेनू में ही फ्रीज पैनल पे अनफ्रीज कर दिया। अभी देखिए ये फिर अंदर चला जा रहा है। हमको सिर्फ ये एक दो तीन, तीन कॉलम ही फ्रीज करना है, ठीक है। एक ज्यादा ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके फ्रीज पैनल कर देना है। अब देखिए, अभी ये जो हमारा हेडिंग है हमारा वर्क का, वो हेडिंग यथावत रहेगा। जितना नीचे हम जाएंगे, जितना डाटा एंट्री करेंगे, वो जैसे का तैसे यथावत रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पैनल को फ्रीज कर सकते हैं और अनफ्रीज कर सकते हैं। ये तो एक चीज हो गया। दूसरी चीज, डाटा फिल्टर। डाटा फिल्टर के लिए हमने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। डाटा फिल्टर क्या है, जैसे एक ही नंबर का परचेज ऑर्डर कितना है, तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे इसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा इधर यहाँ से वहाँ तक सिलेक्ट हो गया। और डाटा फिल्टर में जाएंगे, ये डाटा में जाएंगे और इसको ये फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये फिल्टर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ गया। ये कोई एक पर्टिकुलर नाम देख सकते हैं आप, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर परचेज ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं, किसी भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। आप देखिए अभी एक ही परचेज ऑर्डर जो सेलेक्ट किया था वही आया, ठीक है। फिर ऑल कर दीजिए, ये फिर ऑल दिखेगा। यदि डेट का ऑप्शन है आप में, कोई भी चीज का आपने डेट डाला हुआ है तो डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा, जैसे कि जो पेमेंट रिसिप्ट होता है तो कौन सा डेट में पेमेंट रिसिप्ट हुआ किसका, तो मान के चलिए यहाँ पे हमने डेट सेटिंग करके रखा हुआ है। मान के चलिए हमने यहाँ पे पेमेंट सेटिंग करके, पेमेंट के लिए डेट सेटिंग करके रखा हुआ है। पेमेंट के लिए जो पेमेंट आता है उसके लिए डेट सेटिंग करके रखा है कि कौन सा डेट में कौन सा पेमेंट आया। और जो देखना है आपको तो डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, इसको टिक हटा दीजिए, यहाँ पे जाइए, देखिए 2019 है, ठीक है, ये जनवरी है। अभी आप
जनवरी का 16 तक एंट्री है इसमें पेमेंट का। तो आप देखिए आप किस डेट में किस डेट का आपको देखना है, जैसे कि 15 जनवरी का देखना है, ठीक है। 15 में क्लिक किए, ओके किए। अब देखिए जो 15 जनवरी में जितना पेमेंट आया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए, ये सारा पैनल फिर आपको दिखने लगेगा। तो इसी तरह से हम डाटा फिल्टर भी बनाएंगे और अपना पैनल को भी फ्रीज अनफ्रीज करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।